लॉन्ग टर्म पिक होगा सीडीएसएल। सीडीएसएल में कई बार मैंने पहले भी दिया था, अभी भी मैं दे रही हूँ, और मुझे लगता है कि कोई भी डिप में मार्केट जब इतना खराब है, एक दिन मार्केट ऊपर जाता है दूसरा दिन नीचे जा रहा है, ऐसा मार्केट में अगर कोई स्टॉक आपको पैसा देने वाला है और वो भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों पैरामीटर्स में जो स्टॉक बुलिश है, तो वैसा ही स्टॉक चूज करना पड़ेगा। सीडीएसएल में करेंट लेवल पर भी खरीदना है, लोअर लेवल पे जिस दिन मार्केट में करेक्शन होगा उस दिन भी खरीदिए, कोई टेंशन मत रखिए। 1650 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए स्टॉक, 6 से 8 महीने के लिए होल्ड कीजिए। मेरा टारगेट 2050 से 2100 का टारगेट है, जो कि मैंने बहुत ही मतलब टेक्निकल बलबूते पर मैंने दिया है, पर ये टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा, मतलब 2 से 3 महीने में अचीव होना चाहिए ये स्टॉक, उससे भी ऊपर जाएगा। 2500 का भी टारगेट आ सकता है जो इस इतना टाइम फ्रेम में, 1 साल अगर होल्ड करेंगे तो 2500 का भी टारगेट आ सकता है। तो सीडीएसएल में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा, मेरा लॉन्ग टर्म का कॉल है, ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठा के रखिए। ओके, पोर्टफोलियो में रखने लायक है स्टॉक, बीएससी के साथ साथ चलने वाला स्टॉक, आमतौर पर सीडीएसएल भी दमदार एक्शन में खरीदारी करने की राय सीमी जी की।